ओम शांति। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिहार की फेमस खास्ता लिट्टी और ग्रेवी वाली स्पाइसी चना मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले सत्तू बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक कप सत्तू ली, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अजवाइन और मंगला क्रश करके डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और गोल मिर्च को कूट के डाल देंगे, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। धनिया पत्ता मिला देंगे, नींबू का रस डाल देंगे। अब इसमें हम सरसों का तेल मिला देंगे, अचार मिला देंगे और इसे हमें मिक्स करना है अच्छे से इन मसालों के साथ। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि सातू भर भरा रहने से गले में फंसता है, इसलिए थोड़ा इसे हमें पानी डाल के नरम कर लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा। देखिए ये सत्तू हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से बनाने से गले में नहीं फंसता है। ये खस्ता लिट्टी बिहार के हर दुकान पे, चौक चौराहे पे मिलता है। मैंने यहाँ पे एक कप चने को रात में भिंगो दिया है, ये घर का चना है। मसाला के लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लिया है, इसका पेस्ट कर लेंगे। अब कुकर में चने डालेंगे और डेढ़ कटोरी में पानी का इस्तेमाल करें, चने ऊपर तक पानी आना चाहिए चने के ऊपर। अब इसमें नमक थोड़ा सा डाल देंगे, दो सीटी लगा के हम पका लेंगे चने को। अब मैं यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल गरम करेंगे, जीरा डालेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची, जावित्री, तेजपत्ता, आँच को यहाँ लो रखेंगे और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हल्दी मिला देंगे और मसाले को हम भूनेंगे। देखिए मसाले का पानी सूख गया है, इसे थोड़ा सा और भूनेंगे और इसमें हम सब्जी मसाला मिला देंगे। यहाँ पे घर में ही मैंने मिक्स सब्जी मसाला तैयार किया है, एक चम्मच डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसे तेल अलग ना हो जाए। मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल इस्तेमाल किया इसलिए इसमें तेल ज़्यादा नहीं निकलेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम बॉयल किए हुए चने को मिला देंगे। ये घर का देसी चना है। देखिए चने सॉफ्ट हो चुके हैं और इसे हम मसालों में मिक्स करेंगे और ये सब्जी थोड़ी पतली ही रहती है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है क्योंकि इसे हमें लिट्टी के साथ सर्व करना है। पानी डाल के इसे हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और ढक के मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए कितने अच्छे से सब्जी की ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें हम गरम मसाला मिला देंगे, धनिया पत्ता मिला देंगे और ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें लहसुन प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट के बाद सब्जी का कलर। अब आटा लगा दे रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 कप आटा ली हूँ, अजवाइन और मंगलेरा को क्रश करके डाल दी हूँ, उसमें घी डाल दी और इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। देखिए एक तरह से मोइन ही, इसमें मोइन डाला जाता है तब लिट्टी खस्ता होगी। और आटा को हम 10 से 15 मिनट कर छोड़ देंगे गूंथ के। देखिए आटा भी सेट हो गया है, हमें इसका सख्त डो लगाना है, नरम नहीं। सत्तू भी तैयार हो गया है। अब हम इसका छोटे छोटे लोई बनाएंगे। आपने लिट्टी तो बहुत बार बनाई होगी, एक बार इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट ये लिट्टी तैयार होता है। खास्ता लिट्टी हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। अब इसे हम कटोरी की तरह गोल करेंगे और इसमें हम सत्तू ज़्यादा डालेंगे, इसका लेयर पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं। और इसे हम चारों तरफ से घुमाते हुए सील कर देंगे इस तरह से। और ये हमारे ये स्टफिंग वाली लिट्टी तैयार हो गई। अब इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेंगे। चारों तरफ से दबाते हुए सत्तू भरेंगे और इसको घुमाते हुए इसको सील कर लेंगे इस तरह से। सारे
लिट्टी को हम एक साथ भर के तैयार कर लेंगे, जिससे हमें फ्राई करने में आसानी रहेगी। देखिए मैंने सारे लिट्टी को तैयार कर लिया है। लिट्टी फ्राई करने के लिए मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे यहाँ सरसों तेल में ही इसे फ्राई किया जाता है। आँच को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई हीट पे हम नहीं इसको फ्राई करेंगे। जैसे हम समोसा को फ्राई करते हैं, इसी तरह से हमें इस लिट्टी को धीमी आँच पे फ्राई करना है। ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। इसे हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम पलट लेंगे, इसको उलट पलट के हम पका लेंगे। पकने के बाद लिट्टी का मुँह खुल जाता है। देखिए इस तरह से हमें इसे उलट पलट के पका लेना है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये लिट्टी और ग्रेवी वाली चना मसाला। और इस तरह से हमारा एक बैच लिट्टी का तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही खास तैयार होता है ये, धीमी आंच पे पकाएंगे तो अंदर तक पक जाती है और कुरकुरी भी तैयार होगी। देखिए सारी लिट्टी को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। अब लिट्टी लेंगे, इसको हम तोड़ देंगे और इसके ऊपर हम जो चने की सब्जी तैयार की है ग्रेवी वाली उसको डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत ही स्वादिष्ट और खास्ता है ये हमारी लिट्टी चने की सब्जी तैयार हुई थी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी।